ये चीज़ हमारे इंडिया में जब कोई आइसक्रीम बेचने आता था तो इसका इस्तेमाल किया करता था। देखो इनके ऑनर आ गए, उन्होंने बुलाया, वो तुरंत आ गया। ये देखो ये इनके ऑनर है। ये देखो मेरे सामने पूरी मार्केट है, ये 5 से लेके वहाँ तक ये पूरी मार्केट है। ऐसे जैसे ऊँट कोई शेर हो उनके लिए। ये देखो ये कॉफ़ी कितनी बड़ी मशीन पड़ी है। दुबई में अभी तक जितने भी किंग रहे हैं उनकी स्टार्टिंग से हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा नाम है शुभम राठौर और आज एक और हम नई जगह पर आ गए हैं। आज हम दुबई में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम हैं और बहुत सारे हेरिटेज हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इधर ये कॉफ़ी म्यूजियम से, तो बताते हैं आपको क्या क्या है इसमें। चलो चलते हैं फिर। ये देखो ये ना जो ये कॉफ़ी म्यूजियम टाइप का बना दिया, ये सारी आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब देखो ये वहाँ से लेके वहाँ तक की सारी बिल्डिंग है, ये सब म्यूजियम में किसी को हेरिटेज में डेवलप कर दिया है। तो आओ चलो चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसा है। ये थीम बना दिए गए, पहले सिखों के घर ही हुआ करते थे ऐसे, तो उनको अब हेरिटेज और म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपको जगह आना हो तो कोई इसका कोई फ्री चार्ज या कॉस्ट ऑफ फ्री है। अरे हाँ भाई हाँ, आप आ सकते हैं। ठीक है, मंडे टू संडे 8 to 8 PM है और इसका कोई एंट्री चार्ज नहीं है, फ्री और एंट्री है। तो चलो चलो अंदर चलते हैं। अभी हम देखो म्यूजियम के अंदर है, आप यहाँ पे घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैठने वाला लगा हुआ है, बैठ सकते हैं आराम से। और कॉफ़ी भी यहाँ कॉफ़ी भी कॉस्ट ऑफ फ्री है, कॉफ़ी का भी इंजॉय कर सकते हैं। क्या नाचो मैं? एक और शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। इधर आप कॉफ़ी बैठ के शूज निकाल के आप कॉफ़ी का इंजॉय ले सकते हैं। ये कॉफ़ी रखी हुई है, उधर खजूर रखे हैं। तो अभी हम आपको चलते हैं वेटिंग रूम एंड गिफ्ट शॉप में। यहाँ पे आप आएंगे तो अपना नाम लिख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। ये देखो आप, ये सामान तो सब कॉस्ट ऑफ है, आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। वैसे आप ये देखो एनवायरनमेंट देखो, और जो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पर ये ऐसी पिक्चर है। ये पूरा हेरिटेज और म्यूजियम का कन्वर्ट कर दिया गया है। ये देखो ये सारे अवार्ड हैं जो दुबई को मिले गए हैं इनके हेरिटेज में। ये देखो पुराने टेलीफोन, ये देखो पुराना रेडियो इस तरीके से। ये देखो आप पुरानी पिक्चर है, ये देखो आप, ये पता नहीं कौन सी मशीन है, सिलाई मशीन है, पता नहीं कौन सी, किस तरीके से उन्होंने ये पूरा, ये लेडीज पहनती है अपने मुंह को कवर करने के लिए क्योंकि मुस्लिम वुमेन है, अरबी बहुत चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये देखो आप, ये है वो एक जैसे धूप बत्ती नहीं होती हमारे इंडिया में सूंघने के लिए, कमरे में फैलाने के लिए, वैसे ही है ये। आप ये देखो वहाँ पे ये रेडियो रखा है, पहला पुराने ज़माने का ऐसे रेडियो होता था। ये वाला देखो, ये चीज़ हमारे इंडिया में जब कोई आइसक्रीम बेचने आता था तो इसका इस्तेमाल किया करता था। ये तो टूट गया है, ये देखो इत्र रखे हुए हैं। और ये देखो आप एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखो बर्तन, अभी फ़ोन रखा हुआ है, ये कीपैड रखा हुआ है। देखो इस ओल्डेस्ट वीडियो एंड दिस इज़ द ओल्ड रेडियो। ये देखो आप ये इससे आप यूज़ करते, ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये देखो रेडियो आप अंदर का, तो अब मैंने आपको दिखा दिया है। तो अभी चलते हैं हम दूसरे म्यूजियम में और वहाँ पे एंट्री है या नहीं है वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। वीडियो में बने रहना और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो चलना, आप फ्री में पानी पी सकते हो। यहाँ पे देखो दुबई का पानी लगा है और बड़ी ऑटोमेटिक, आप जैसे सेंसर वहाँ लगाओगे ना नीचे ये जगह, ये पानी आ जाएगा यहाँ। ये देखो ये सेंसर लगा हुआ है, पानी पी सकते हैं आप, बहुत ही ठंडा पानी आ रहा है। ये देखो पूरा रेगिस्तान जैसी थीम बनाई गई है इन्होंने, यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो। ये देखो पूरे जैसे लोकल वैसे टाइप का होता है ना, वैसे उन्होंने अरबी खरीद थी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरे देखो मेरे पीछे सारे अंग्रेज खड़े हुए हैं और अंग्रेज़ के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो देखो कितने कितने प्यार से फोटो खिंचवा रहे हैं ऊँट के साथ, ऐसे जैसे ऊँट कोई शेर हो उनके लिए। बात तो सही है, वो देखो इनके ऑनर आ गए, उन्होंने बुलाया वो तुरंत आ गया। ये देखो ये इनके ऑनर हैं। ये देखो
वो अपनी अरबी लैंग्वेज में बुलाते हैं और ये देखो आ भी जाते हैं। ये देखो ये कोई ये कुछ इनको खिला रहे हैं। अच्छा ये बिस्कुट खिला रहे हैं, ये इनकी लैंग्वेज को जानते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। हमको तो कार्ड ले, मुझे तो कार्ड भी लेता है इसने भाई। तो ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये बैठने वाला है स्किन, इसमें आप बैठ सकते हैं। चलो अंदर जाके बैठते हैं। ये तो बहुत छोटा सा है, मैं बहुत लंबा हूँ, मैं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। आप यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, देखो आप ये हाँ यहाँ पे खड़े भी हो सकते हैं, आप देखो यहाँ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। बेसिकली बच्चों के लिए अच्छा है, बेसिकली बच्चों के लिए अच्छा, बच्चे बैठ सकते हैं। पर हम जैसे मेरे जैसा आदमी तो इधर नहीं बैठ सकता। ये देखो तो आराम से बैठ जाओ। देखो अभी कॉफ़ी म्यूजियम है ना, अभी इसके अंदर हम जाएंगे और क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। इसका 10 दिरहम चार्ज है, ये देखो आप दिखा देता हूँ आपको, एंट्री फ्री चार्ज 10 दिरहम है। अभी आपको दिखा देंगे अंदर क्या क्या है कॉफ़ी म्यूजियम में, आप इधर से बैठ सकते हैं। ये पूरा कॉफ़ी बेस पे लगा हुआ है भाई। देखो इन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी लाए हैं, तो कॉफ़ी ट्राई करते हैं, अभी आपको बताते हैं कि कॉफ़ी कैसी है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी के साथ ना यहाँ पे ना अरबी कॉफ़ी के साथ ये डेट्स भी जाते हैं, आप डेट्स का भी इंजॉय कर सकते हैं। नमस्ते। तो यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी का अपने ये इन्होंने देखो ये इन्होंने इसमें एक कॉफ़ी और एक खजूर दिए हैं। तो अभी कॉफ़ी का इंजॉय करते हैं, फिर आपसे पूरा एक्सप्लेन कराते हैं, जाना मत ठीक है, वीडियो में बने रहना। बेसिकली ये देखो कॉफ़ी का है ना, ये जो म्यूजियम है कॉफ़ी पे बेस्ड है, यहाँ पे कैसे कॉफ़ी बनाई जाती है, किस तरीके से कॉफ़ी बनाई जाती है, ये देखो आप, ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखो इस तरीके से कॉफ़ी, इस देखो सारे कॉफ़ी के औजार पड़े हुए हैं, देखो हर तरह कॉफ़ी किस तरीके से, ये देखो पूरा पड़ा हुआ है। ये देखो पुराने ज़माने जो अरबी लोग पुराने, अब तो नए नए वो मशीन आ गए हैं, देखो आप इसमें ऐसे घुमाते थे, मशीन हीट होती थी, अलग अलग तरह की। देखो आप ये भी देखो ये घुमाते थे, ये भी पड़ा हुआ है, ये सारी कॉफ़ी की हैं, सारी मशीनें कॉफ़ी की हैं, कैसे उनको हीट किया था, कैसे बनाया जाता था। ये देखो ये भी नलकूप कॉफ़ी का है, ये भी देखें आप कॉफ़ी का सारा, और दिखाते हैं आपको। देखो बेसिकली ऑब्वियसली कॉफ़ी पे और कॉफ़ी के इंग्रेडिएंट दिखाते हैं आपको। ये देखो ये सारे कॉफ़ी के वैरायटी रखे हैं अलग अलग, ये ब्राज़ील की है, देखो सारी कंट्री के अलग अलग कॉफ़ी पड़ी हुई है। ये देखो आप ये रियल कॉफ़ी है, इसने पत्थर ये सारी रियल कॉफ़ी पड़ी हुई है। ये देखो ये सारी कॉफ़ी है, इसकी टाइमिंग ना 8 से 5 बजे की है और 5 बजने वाले हैं, तो ये क्लोज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को एंट्री दी है सिर्फ कि आपको ये एंट्री है, बना ये क्लोज़ करें, मैंने प्लेन इनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरे को कॉफ़ी भी बना के दी स्पेशल, उन्होंने वो मैंने कॉफ़ी पी ली है। ये देखो ये पूरे तरीके सारे औजार रखे हुए हैं, देखो प्लीज डू नॉट टच का लिखा है, आप ये देख सकते हैं, टच ना करें। ये और दिखाते हैं, ये देखो ये औजार सारे, ये सारे कॉफ़ी के औजार पड़े हुए हैं। ये भी कॉफ़ी का मशीन का पड़ा हुआ है, उसको घुमा सकते हैं आप। देखो मिडिल ईस्ट एनालिटिक्स वो पड़ा है, दिखा सकते हैं आपको। ये देखो ये वाला रूम है, जो कॉफ़ी जिसमें रखते थे ना वो गर्म रहती थी। ये देखो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, पहले पुराने ज़माने से लेके गया हुआ, ये कश्मीर में ऐसा कश्मीर में मिलता है। पर ये देखो सारे अरबी के, ये तो अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी चल गई, अभी के हैं 2000 के दम के, वरना पुराने ज़माने के आप देखो इसमें कॉफ़ी रखी जाती थी। और देखो कॉफ़ी को कूटने वाले भी, देखो इसमें मसाले को कूटते हैं, ये कॉफ़ी को ऐसे कूटते थे। ये देखो और ये देखो कितने सारे टाइप के कप रखे हुए हैं अरबिक कॉफ़ी के, काप जिसको हम अरबी लोग कावा बोलते हैं, जिसको अरबी लोग कावा बोलते हैं, सिलबट्टा है हमारे इंडियन में, तो उसको सिलबट्टा बोलते हैं। दुबई में अभी तक जितने भी किंग रहे हैं उनकी स्टार्टिंग से, अभी प्रेजेंट में किंग तो अभी दिखा देते हैं, ये हैं शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मक्तूम, ये उनके बेटे हैं, और इनके फादर हम ये दिखा देते हैं, इनके फादर ये हैं। सबसे फर्स्ट किंग दुबई ये थे, फिर सेकेंड थर्ड ये अबू धाबी वाले हैं, ये अभी के दुबई के राष्ट्रपति हैं, और ये दुबई के प्रधानमंत्री हैं, और दुबई के ये किंग भी हैं। ये अबू धाबी के थे, इनका मुझे नहीं पता, ये अभी दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। ये देखो मेरे सामने वोट राइडिंग खड़ी है, वोटिंग कर सकते हो उधर। ये देखो पूरा म्यूजियम है, हेरिटेज है, और ये देखो वोटिंग का है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, अल फदीना मरीना ट्रांसपोर्ट स्टेशन का नाम है, यहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं। देखो वोटिंग कर रहे हैं, और इसका ज़्यादा धर्म नहीं है, 5 से 10 धर्म, 5 या 1 धर्म की होगा, 1 धर्म का भी टिकट का प्राइस होता है, मुश्किल इसका 5 धर्म का टिकट का प्राइस है। तो अगर आपको दुबई में है वोटिंग करना हो तो सस्ती वाली
आप यहाँ का करते हैं फिर 5 ड्रम में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया क्या क्या कैसे देखो यहाँ पे हेरिटेज है म्यूजियम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।